दोस्त, अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए एक यूनिक नेम तलाश रहे हैं, यूनिक नाम ढूंढ रहे हैं, जो नाम के उस नाम से अभी तक किसी ने चैनल ना बनाया हो, या अगर किसी ने चैनल बनाया भी है तो उस नाम से कम चैनल हो, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि जो नाम आप अपने चैनल का रखना चाहते हैं उस नाम से अभी तक कितने चैनल बने हैं, या आपका जो नाम है वो यूनिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि आप जब अपना एक नया YouTube चैनल बनाते हैं तो आपको अपने चैनल का यूनिक नेम रखना चाहिए, जिस नाम से अभी तक बहुत कम चैनल हो, या उस नाम से अभी तक कोई चैनल ही ना बने हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कोई नाम रखते हैं तो आपको काफ़ी समय मिल जाता है अपने चैनल को ग्रो करने में, और तब जब तक लोग उस नाम से और ज़्यादा चैनल बनाते हैं तब तक आप काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल का जो नाम है वो यूनिक रखना चाहिए, और यूनिक नेम कहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली है, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में जा करके आपको टाइप करना है सोशल ब्लेड। फ्रेंड्स, जब सोशल ब्लेड आप टाइप कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सोशल ब्लेड की जो साइड है उसे ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, जब आप इस साइड को ओपन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये साइड दिखाई देगी, आपको यहाँ पर राइट साइड में ऊपर जाना है और यहाँ पर जा करके आपको अपने चैनल का नाम टाइप कर देना है और उसे सर्च कर लेना है। फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो उस नाम से जितने भी चैनल होंगे साइड में आपको दिखाई देंगे, आप यहां पर देख सकते हैं कितने चैनल हैं अभी तक, इनमें से आप देख सकते हैं कितने चैनल आपके नाम से अभी तक बने हैं, जो नाम आप रखना चाहते हैं उस नाम से ऑलरेडी अभी तक कितने लोगों ने चैनल बनाया है, और अगर आपके नाम से कम चैनल होंगे तो यहाँ पर कम भी दिखाई देगा, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर नो फाउंड करके दिखाई देगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके नाम से ही सेम चैनल बने हुए हैं, 8-10 चैनल हैं तो आप बना सकते हैं, अगर 8-10 चैनल से ज़्यादा बने हुए तो आप उस नाम को मत सेलेक्ट कीजिएगा, आप उसी नाम को सेलेक्ट कीजिए जिस नाम से कम चैनल अभी तक बने हुए, और अगर आप कोई ऐसा नाम सेलेक्ट करते हैं जिस नाम से अभी तक चैनल ही नहीं बना है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने भी इसी तरह से अपना चैनल जो है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी तो मैंने भी इसी से अपने चैनल का नाम सेलेक्ट किया, मैं अपने नाम से चैनल बनाना चाहता था और उस टाइम समय मैं जब सर्च करता था तो मैंने देखा मेरे नाम से ढेर सारे चैनल ऑलरेडी बने हुए थे, तो मैंने यहाँ पर कुछ टिप अलग करने की कोशिश की और बार बार यहाँ पर ट्राई करता रहा, सर्च करता रहा अलग अलग नाम डाल के, तो मुझे यहाँ पर मेरे चैनल का यूनिक नेम मिल गया, तो मैंने उसी नाम से अपना चैनल अभी यहाँ पर बना दिया। मैंने अपने चैनल का नाम 3 बार यहाँ पर चेंज किया। तो फ्रेंड्स, बार बार नाम चेंज करना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, अगर आपका चैनल अच्छा ग्रो कर गया है और बीच में आप नाम चेंज कर देते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम आ चुकी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप नया चैनल बना रहे हैं तो पहले से ही एक यूनिक नेम सेलेक्ट कीजिए, जो नाम अभी तक कम हो या फिर बिल्कुल हो ही नहीं, अभी तक किसी ने उस नाम से चैनल ही नहीं बनाया, वैसा नाम सेलेक्ट कीजिए और तभी आप उस नाम से चैनल बनाइए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।